अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज हैं हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है द कोलेस्ट्रॉल सर्व्स एज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉलोइंग बायोसिंथेसिस बायोसिंथेटिक पाथवे एक्सेप्ट। जो इसमें कोलेस्ट्रॉल है वो एज अ प्रिकर्सर सर्व करता है फॉर द कौन से बायोसिंथेटिक पाथवे में, कौन से बायोसिंथेटिक पाथवे को छोड़ के। ठीक है, तो पहला है आपका बाइल एसिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, एल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इन तीनों के बायोसिंथेटिक पाथवे में सर्व करेगा, बस किसमें नहीं सर्व करेगा तो वो है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में। ठीक है, तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में ये कोलेस्ट्रॉल सर किसी ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में ये कोलेस्ट्रॉल सर एज अ प्रिकर्सर सर वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड एक्ट्स एज अ लंग्स सर्फेक्टेंट। कौन सा ऐसा लिपिड है जो एज अ लंग्स सर्फेक्टेंट एक्ट करता है। पहला हमारा ऑप्शन है फॉस्फेटाइडिल कोलीन, दूसरा फॉस्फेटाइडिल इथेनॉलमाइड, सेरामाइड, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। ठीक है, इसमें जो हमारा लिपिड एज अ लिपिड, एक ऐसा लिपिड है जो लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है वो है फॉस्फेटाइडिल कोलीन। तो फॉस्फेटाइडिल एक्ट एज अ लंग सर्फेक्टेंट, या फॉस्फेटाइडिल इज अ लिपिड that act as a lung surfactant. Surfactant मतलब होता है surface active agent. ठीक है, surface active agent. फिर तीसरा है identify the simple lipid from the following. कौन सा सबसे simple lipid है? Lecithin, fatty acid, triacyl glycerol, steroids. तो जो इसमें simple lipid है वो है triacyl glycerol. Same ऐसा ही चौथा है All of the following are complex lipid, except सभी complex lipid हैं और एक को छोड़ के। इसमें से कौन से सभी complex lipid हैं और उसमें से एक कौन सा ऐसा है lipid जो complex lipid नहीं है। तो पहला phosphatidic acid, दूसरा cerebroside, तीसरा cardiolipin और चौथा cholesterol. तो कोलेस्ट्रॉल को छोड़ के सभी जो इसमें है वो कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो सही आंसर रहेगा वो कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट ऐसे ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। उसमें ए ऑप्शन है लिनोलेनिक एसिड, दूसरा एराकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ओलिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड। इसमें जो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है वो लिनोलेनिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, सिक्स्थ वन, बाइल एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, बिलिरुबिन। तो बाइल एसिड कहां से डेराइव्ड होता है, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा लिपिड है जो ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है लेसिथिन, सिफेलिन, कार्डियोलिपिन और सेरामाइड। तो इसमें जो हमारा कार्डियोलिपिन इज अ लिपिड विच इज मोस्टली प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एट वन बात करेंगे, इंसुलिन एनहांसेस द अपटेक ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स इन एडिपोज टिश्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्टिवेटेड दैट फैसिलिटेट्स द अपटेक। मतलब इसमें कौन सा एंजाइम जो वो क्या करता है, एनहांस करता है अपटेक ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल इन एडिपोज टिश्यूज में। तो कौन सा एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करता है, पहला ऑप्शन है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, दूसरा लिपोप्रोटीन लाइपेज, तीसरा एलसीए एलसेट,
ये सारे एंजाइम्स ही हैं, एपोसी सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एंजाइम्स जो पार्टिसिपेट करता है या एक्टिवेट करता है इसके अपटेक के लिए, वो है लिपोप्रोटीन लाइपेज, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है। द डिफेक्ट लाइज इन, अब जो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो कहाँ पे होता है? दूसरा, पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू द लिवर, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू द लिवर। दूसरा ऑप्शन है इम्पेयरमेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेटिव पाथवे। तीसरा है इम्पेयरमेंट ऑफ अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय टिश्यू। और चौथा है इम्पेयरमेंट ऑफ एसटीएल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एपोएंजाइम ए। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ये कहाँ पे होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय टिश्यू, इसकी वजह से हमें फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, अ रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ फैटी मेटाबॉलिज्म। कौन सा ऐसा इसमें फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को रोका जाता है, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है किसमें? फैटी मेटाबॉलिज्म में या फैट मेटाबॉलिज्म में या लिपिड मेटाबॉलिज्म में। तो पहला ऑप्शन है आपका सिट्रेज, दूसरा आपका है एटीपी, तीसरा है मेलोनिन कोए, और चौथा लास्ट आपका जो ऑप्शन है एसआई कोए, और यही हमारा ये सही ऑप्शन है। तो एसआई कोए इनहिबिट्स एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, एसआई कोए। 11th वन है एसिटाइल कोए सर्व्स एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज टाइटली रेगुलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रेगुलेटेड स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेप है जिसको रेगुलेट करते हैं कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सी, यहाँ पे ऑफ होगा, फॉर्मेशन ऑफ 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लुटेरिल कोए, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मीवालोनेट, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रेनोइड यूनिट, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ लेंस्टेरॉल, ठीक है। तो इसमें जो है जो स्टेप इनहिबिट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ मीवालोनेट। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम्स दैट रेगुलेट द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो सर्व्स एज अ ड्रगेबल टारगेट फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एंजाइम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें ये है कि इसमें कौन से एंजाइम को रेगुलेट करते हैं किसमें? इन द रिडक्शन ऑफ हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है HMG CoA synthase, दूसरा HMG CoA reductase, तीसरा लेंस्टेरॉल oxidase, और चौथा कोलेस्ट्रॉल synthetase, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये क्या कहते हैं ऑप्शन है, सही जो आंसर है हमारा, इसमें से जो एंजाइम इनहिबिट किया जाता है, जिसको रेगुलेट किया जाता है, सॉरी रेगुलेट किया जाता है ना कि इनहिबिट किया जाता है, वो है HMG CoA reductase, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय रेगुलेटिंग द HMG CoA रिडक्टेज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज, कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो आपका पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकागॉन, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है इंसुलिन हार्मोन इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय रेगुलेटिंग द एंजाइम HMG CoA रिडक्टेज, तो इसमें जो हार्मोन है वो इंसुलिन है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही बात करेंगे 14th क्वेश्चन की, स्टेरॉल रेगुलेटिंग
बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए एट द स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट टू इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेज एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल द प्रेजेंस ऑफ हाई सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसमें कौन सा स्टेप है? तो पहला दिया गया है इंक्रीजेस द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज कमा रिलीज एंड शटलिंग ऑफ, यही है स्टेरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन, ये वाला जो है SREB इनटू द न्यूक्लियस। दूसरा है डिक्रीजेस द प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज एंड रिलीज द स्टेरॉल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम ER activates the sterol regulatory binding protein by inducing the conformational change, inhibit sterol regulatory binding protein by competitively binding to DNA binding site to sterol regulatory binding protein। तो ये किससे होता है? Decreases the, जो हमारा सही है इसमें option है, decreases the proteolytic, कैसे होता है? By decreasing the proteolytic cleavage and release of sterol regulatory binding protein from ER। नेक्स्ट ऐसे 15th क्वेश्चन की बात करेंगे। हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रेगुलेट एचएमजी कोई रिडक्टेज बाय अ फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस। तो जो हार्मोन्स इंसुलिन या ग्लूकागॉन क्या करते हैं, ये एचएमजी कोई रिडक्टेज को रेगुलेट करते हैं एंड इस एंजाइम को विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है फॉस्फोरिलेशन ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेज रिजल्ट्स इन द डिक्रीज्ड एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो है आपका इंसुलिन इनहिबिट्स काइनेज दैट फॉस्फोरिलेट्स एचएमजी कोई रिडक्टेज, इंसुलिन एक्टिवेट्स काइनेज फ्रॉम काइनेज दैट फॉस्फोरिलेट एचएमजी कोई रिडक्टेज, ये रिपीट किया गया है। इंसुलिन एक्टिवेट्स द फॉस्फेटेज दैट रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एचएमजी कोई रिडक्टेज, यही हमारा सही ऑप्शन है। इंसुलिन क्या करता है? फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है, जो क्या करता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है किसमें से? एचएमजी कोई रिडक्टेज में से। एक सेकंड, जब इतना आपका रहता है वैल्यू तो इसे हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया कहें, 240 mg पर डाइल्यूशन। 17th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इनसाइड द सेल। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करता है सेल में? तो आपका ऑप्शन है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज, नन ऑफ द अबव। इसमें जो एंजाइम है
एसाइल को ए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इनसाइड द सेल। ठीक है, इसमें जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंटू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर किसमें, सेल के अंदर में, वो है एसाइल को ए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। 18th क्वेश्चन की बात करें, Which of the following glycolytic intermediates serve as a precursor for the backbone for the synthesis of triglycerides? Phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanol amine. तो पहला ऑप्शन है glyceraldehyde 3-phosphate, दूसरा pyruvate, तीसरा 1,3-bisphosphoglycerate और लास्ट ऑप्शन है 3-phosphoglycerate. तो इसमें जो glycolytic intermediate है वो है glyceraldehyde 3-phosphate. नेक्स्ट 19th क्वेश्चन की बात करें, सेरामाइड इज सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द अमीनो एसिड सेरीन। जो सेरामाइन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है अमीनो एसिड सेरीन से। तो सेरामाइड इज एन इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट रेगुलेट्स द पाथवे इंक्लूडिंग। अब जो सेरामाइड है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसे सेकंड मैसेंजर कहते हैं, और वो किन किन चीजों को रेगुलेट करता है, एपोप्टोसिस, सेल सेंसेंस, सेल डिफरेंशिएशन और ऑल ऑफ द अबव। इसमें चारों ऑप्शन में है तो ये इन तीनों को ये रेगुलेट करता है, तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉस्फोलिपिड दैट पोजेस अ सर्फेक्टेंट एक्टिविटी एंड सिंथेसाइज शॉर्टली बिफोर द पाचुरेशन इन फुल टर्म इन्फेंट्स। ठीक है, फुल इन्फेंट्स में होता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड इन द लंग्स कॉजेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसका डेफिशिएंसी जो हमारा होता है तो क्या होता है, ये इसमें फॉस्फोलिपिड कौन सा है, डाइपाल्मिटोइल फॉस्फेटाइडिल इथेलोअमाइन, दूसरा सेरामाइड, तीसरा डाइपाल्मिटोइल फॉस्फेटाइडिल कोलीन और चौथा आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो है डाइपाल्मिटोइल फॉस्फेटाइडिल कोलीन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग फर्दर अलग अलग टॉपिक के पढ़ते रहेंगे।